अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग कबाब चीज़ हाईवे आए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे बुफे का सीन तो नहीं है, लेकिन अला कटे का सीन है। तो हमने सोचा यार अफ्तार का सीन है, डिनर है, तो क्यों ना अला कटे पे डिनर ऑर्डर करें, अफ्तार के बाद ये डिनर इन्जॉय करें और आपको दिखाएँ कबाब जी विदाउट बुफे कैसा लगता है। तो भैया सबसे पहले हम ऑर्डर दे देंगे और कबाब जी इसका मेन्यू चेक करते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी वैरायटी है और इनका मेन्यू काफ़ी बड़ा है। स्टार्टर्स में काफ़ी ऑप्शंस हैं, सूप्स हैं, सैलड्स हैं, कढ़ाई है, हांडी है, फ्राइड के ऑप्शंस हैं, बारबेक्यू के ऑप्शंस हैं और इनके प्लेटर्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। एक इनका फैमिली प्लेटर है, उसमें काफ़ी वैरायटी है, उसमें मंदी, कढ़ाई, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कबाब्स और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा उनकी हांडी और कढ़ाई में जो पिशावरी उनकी मटन कढ़ाई है कबाब जी इसकी काफ़ी फेमस है। मैंने पर्सनली कढ़ाई उनकी ट्राई की है पिशावरी और इट वाज अमेजिंग एंड इट इज़ टेस्टी। हम लोग कबाब जीज हाईवे आए हुए हैं, ये सुपर हाईवे पे मौजूद है। कबाब जीज की दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। एक, यहाँ खेलने कूदने की बहुत जगह है, झूले हैं, सीटिंग अरेंजमेंट ज़बरदस्त है, आप नीचे तख्त पे भी बैठ सकते हैं, ऊपर कुर्सियों पे जैसे आप दूर दरिया पे यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट होती है इस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। अफ्तार का टाइम होने वाला है तो हमने दो चीज़ें ऑर्डर की हैं। एक ये प्रॉन टेम्पोरा है और ये मैक्सिकन बारबेक्यू विंग्स, दोनों ही लजीज थी। हमें उन्होंने जो है वो रू अफ़ज़ा और खजूरें दी थी ताकि आप लोग भी भाई रोज़ा खोल लें। बाकी हमने स्टार्टर्स मंगवा ली ताकि रोज़ा खोलने के साथ ही ये चीज़ें खा लें। बहुत ही लजीज थी जो मैक्सिकन ये जो बारबेक्यू जो विंग्स थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे और ये टेम्पोरा की तो बात ही अलग है। तो भैया हमारा बारबेक्यू प्लेटर आ चुका है। इस प्लेटर में तकरीबन 8 किस्म की बोटियां हैं, कबाब हैं, हमारे साथ चिकन मंदी अवेलेबल है और हाफ के जी मटन कढ़ाई है। ये फैमिली प्लेटर जो मैं आपको मेन्यू में दिखा रहा था ये है। उसके साथ हमने 1 kg मटन पिशावरी कढ़ाई भी इंट्रोड्यूस की है। ये मटन कढ़ाई आप देख सकते हैं, बहुत ही लजीज। सबसे पहले मैं ट्राई करने वाला हूँ चिकन मंदी, क्योंकि चिकन मंदी जो है वो कबाब जीज की बहुत ही मुख्तलिफ होती है और अगर आपने ट्राई नहीं की तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये हमने 1 kg मटन कढ़ाई मंगवाई थी पिशावरी, बहुत ही लजीज। तो लेट्स स्टार्ट विद चिकन मंदी। वी आर गोइंग टू टेक राइस फ्रॉम देयर एंड हाफ पीस ऑफ एग एंड दिस स्कम्पशियस चिकन पीस। ओपन करते हैं बारबेक्यू प्लेटर जो हमारा फैमिली प्लेटर है। इसमें रंगून कबाब है, मलाई कबाब है, मलाई बोटी है, तंदूरी बोटी है, चिकन बिहारी बोटी है, सीख कबाब है, मटन रिब्स हैं, हाफ मटन कढ़ाई है, ग्रिल्ड बारबेक्यू फिश है, चिकन मंदी, 1 कंधारी नान, 2 प्लेन नान और 2 पराठे हैं। ये टोटल जो है फैमिली प्लेटर का हिस्सा है। मैंने सारी जो बोटियाँ थी वो सब निकाल ली थी सारे प्लेटर, ताकि मैंने बोला एक ही चक्कर में सबको ट्राई करके और सबको टेस्ट करें, बहुत ही लजीज था ये मैं कह सकता हूँ। उसके बाद मटन कढ़ाई भी मैंने ट्राई की, वैसे तो पेट फुल हो गया था लेकिन आंखें नहीं भरती, तो ये बात तो आप सब ने सुना होगा। उसके साथ फिर मैंने गर्म और गर्म गार्लिक नान भी ऑर्डर कर दिया था। मैंने सोचा कि यार इस कढ़ाई के साथ ना गार्लिक नान बहुत ही लजीज लगेगा। तो ऑल टुगेदर खाना बहुत ही मज़ेदार था। हमने थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर मंगवा लिया था लेकिन इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एट कबाब चीज़। तो भैया हमने खाना वाना खा लिया है, रमज़ान का सीन होता है तो आप इतना ज़्यादा खाना खा नहीं सकते, लेकिन मेरी फैमिली ने ना बिल्कुल कसर नहीं की और बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी। एक तो उन्होंने कढ़ाई ऑर्डर की, मटन कढ़ाई पिशावरी, दूसरी उन्होंने फैमिली प्लेटर मंगवा लिया। फैमिली प्लेटर में जो था मंदी भी थी, बारबेक्यू प्लेटर था पूरा और उसमें हाफ केजी जो थी वो मटन कढ़ाई थी। काफ़ी वेरिएशन थी और कबाब चीज़ में मैंने ये बारबेक्यू प्लेटर फर्स्ट दफ़ा खाया। मैंने सारी बोटियाँ निकाली
ट्राई किया और मटन का जो पीस था वो बहुत ही लजीज था। उसके साथ फिर मटन कढ़ाई भी हमने ट्राई की और मंदी ट्राई की। मंदी कबाब जी की इतनी डिफरेंट मुझे लगी और पूरी फैमिली ने इस चीज़ को तारीफ किया, क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पर और मंदी खाई है, इतने चावल लाइट और चिकन इतना फ्लेवरबल कहाँ पर भी नहीं था। तो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एक चीज़ जो हमें डाउट में थी और जो मेरी फैमिली काफ़ी कह रही थी वो रोटी थी। रोटी आती ही बहुत खुश्क हो गई। मैंने उनको फ़ौरन नहीं कहा, मैंने कहा कि यार दूसरी वेरिएशन मंगवाइए पराठा वगैरह, तो यार चला दो। लेकिन एंड में मैंने वेटर को बताया कि यार रोटी का इशू था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार आपका ये जो टेक अवे है उसमें मैं गर्म रोटियाँ ऐड करवा दूँगा। तो मैंने बोला यार ऑल इज़ वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस। तो वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।